मूवी शुरू होती है टियान नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। वो अपने घर के लिए जा रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। टियान भागने लगती है क्योंकि वहां पर सच में कोई था, और अचानक से वो चीज टियान के सामने आ जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम टियान को एक अजीब सी जगह पर देख पाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि टियान को एक फीमेल रॉबर्ट ने किडनैप किया है, और वो रॉबर्ट टियान की स्किन उसके शरीर से निकाल लेती है। अब अगले दिन पुलिस को टियान की लाश मिलती है जिसके पूरे शरीर से स्किन निकाली गई थी। टियान की बॉडी को देखकर पुलिस को लगता है कि ये किसी साइको किलर का काम हो सकता है, लेकिन ऑफिसर ली को ये कुछ और ही लग रहा था, इसीलिए वो केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक कपल पर आता है जो कि रिलेशन में थे। इनका नाम सुजैन और वैंग शोंग था। सुजैन सोकर उठती है और वैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, लेकिन सुजैन ये कहकर चली जाती है कि उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे लेने आ रहा है। वही दूसरी तरफ वो रॉबर्ट टियान की स्किन लगाकर बिल्कुल टियान की तरह ही लग रही थी। उसका ऑपरेटर डॉक्टर लिन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ये स्किन सेल्फ जनरेटिंग स्किन सिस्टम की वजह से आई है। तभी रॉबर्ट और लिन की बातों से हमें पता चलता है कि लिन ने उसे अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए बनाया है, और रॉबर्ट वही करती है जो कि लिन उसे करने को कहता है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि जब सेल्फ जनरेटिंग स्किन मशीन से रॉबर्ट को इंसान की तरह स्किन नहीं मिल पा रही थी तो लिन उस पर कितना गुस्सा करता था और उसे अगली कहकर बुलाया करता था, जिससे निराश होकर रॉबर्ट ने टियान को मारकर उसकी स्किन चुराई। वहीं ली टियान के बॉयफ्रेंड को स्टेशन बुलाकर पूछताछ कर रहा था क्योंकि उन्हें उस पर भी शक होता है, मगर टियान का बॉयफ्रेंड ली को यकीन दिलाता है कि टियान की मौत के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। दूसरी तरफ रॉबर्ट लिन के कहने पर लव को समझने के लिए बाहर आई होती है। तभी उसे वैंग फ्लावर्स ले जाता हुआ नजर आता है और वो उसका पीछा करने लगती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है और वैंग को बताती है कि वो प्यार करना सीख रही है। वहीं जब वैंग वहां से उठकर जा रहा था तभी एक चोर उसका बैग छीन ले जाता है। वैंग उस चोर का पीछा करता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। इसी बीच रॉबर्ट वहां पहुंचकर वैंग के लैपटॉप से चोर को मार गिराती है। इसी हाथापाई में वैंग के फ्लावर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। इसके बावजूद वैंग उन्हीं फ्लावर्स को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है जहां सुजैन अपने दोस्त के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। वैंग सुजैन को जब फ्लावर्स देता है तो सुजैन के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या रास्ते में उसे कोई चोर मिल गया था जो वो एक फूल भी ढंग से नहीं ला पाया। वैंग इस बात से नाराज होकर वहां से जाने लगता है, इसलिए सुजैन भी उसके पीछे जाती है। तब वैंग उसे बताता है कि उसका सामना सच में एक चोर से हो गया था। इसी बात को लेकर इनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है और इसी दौरान सुजैन वैंग से शादी करने के लिए पूछ लेती है, जिस पर जवाब देता है कि अभी वो तैयार नहीं है, इसलिए सुजैन नाराज होकर चली जाती है। यहां हम देख पाते हैं कि रॉबर्ट उनकी बातें छुपकर सुन रही होती है। उसी रात वैंग अकेला खड़ा होता है, तभी उसके पास से रॉबर्ट आती है और उससे पूछती है कि सुजैन ने उसे शादी करने के लिए क्यों पूछा और वैंग ने उसे इनकार क्यों कर दिया। वैंग इसका जवाब देता है कि सुजैन उससे प्यार करती है इसलिए उसने शादी के लिए पूछा और वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। साथ ही वैंग कहता है कि अगर सुजैन का उससे ब्रेकअप हो गया तो वो दूसरी सुजैन ढूंढ लेगा, जिसके बाद वैंग घर आ जाता है, लेकिन सुजैन अभी भी बाहर थी और वो वैंग को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां रॉबर्ट आ जाती है और सुजैन से कहती है, मैं ही वो दूसरी सुजैन हूँ। दूसरी तरफ पुलिस को सर्वेलेंस कैमरा चेक करने पर टियान नजर आती है जो कि असल में रॉबर्ट थी, और वही फोरेंसिक डॉक्टर ली को बताते हैं कि उन्हें जो बॉडी मिली वो टियान की है। डॉक्टर की बात सुनकर ली बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अगर बॉडी टियान की है तो कैमरा में दिखने वाली लड़की कौन है। जिसके बाद हम सुजैन को देखते हैं जो कि रॉबर्ट के कब्जे में थी। रॉबर्ट सुजैन की भी स्किन निकालने वाली होती है कि तभी डॉक्टर लिन का कॉल आ जाता है और रॉबर्ट को लिन के पास से जाना पड़ता है।
लेन उसे बताता है कि सेल्फ जनरेटिंग स्किन मशीन को उन्होंने अपग्रेड कर दिया। इसका मतलब अब रॉबर्ट को सुजैन की स्किन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रॉबर्ट और लिन में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए रॉबर्ट उसका गला पकड़ लेती है और कहती है उसे एक इंसान से प्यार हो गया है और अब वो उसी के साथ रहने वाली है। अगले दिन डिटेक्टिव ली वैंग से मिलने आता है और टियान के बारे में उससे पूछताछ करता है। वैंग उन्हें बताता है कि वो उसे लड़की से मिला था लेकिन वो नॉर्मल लग रही थी। वैंग का ये जवाब सुनकर ली चले जाते हैं। यहीं रॉबर्ट ने उस मशीन से सुजैन का रूप ले लिया था और वो सुजैन से कहती है कि वो वैंग से प्यार करती है और अब सुजैन बनके उसके साथ रहेगी। यहां वो रॉबर्ट सुजैन को नहीं मारती क्योंकि उसे वैंग के बारे में सब कुछ जानना था। नेक्स्ट सीन में रॉबर्ट सुजैन बनकर क्लब में पहुंच जाती है जहां वैंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और वो उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। फिर दोनों घर जाकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जब वैंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि रॉबर्ट उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि हमेशा वो खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया करता था। उसी दिन डिटेक्टिव ली सुजैन के ऑफिस पहुंच जाते हैं और टियान की फोटो दिखाकर उससे पूछते हैं कि क्या वो उसे जानती है। सुजैन जवाब देती है कि हाँ, वो टियान को जानती है, उसने टियान की रिपोर्ट टीवी पर देखी थी। ली कुछ सवाल और पूछता है जिसका जवाब रॉबर्ट काफी आसानी से देती है, जिसके बाद ली वहां से चला जाता है। उसी रात हम रॉबर्ट को टियान के बॉयफ्रेंड से लिफ्ट लेते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद वैंग क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में था और रॉबर्ट वहां भी पहुंच जाती है, जिसके बाद क्लाइंट और रॉबर्ट के बीच में एक कंपटीशन छिड़ जाता है कि जो सबसे ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद होश में रहेगा वो जीत जाएगा और अगर वो क्लाइंट हारता तो वो वैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। कंपटीशन में रॉबर्ट उसे आसानी से हरा देती है क्योंकि एक रॉबर्ट जितना भी ड्रिंक कर उस पर कोई असर तो नहीं होने वाला। अब वैंग को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और सभी उसे रॉबर्ट की काफ़ी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को टियान के बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है जिसे टियान की तरह ही मारा गया था और वहीं वैंग और सुजैन जो कि रॉबर्ट थी दोनों एक साथ काफ़ी खुश होते हैं। रॉबर्ट वही करती है जो वैंग चाहता था इसलिए दोनों एक साथ काफ़ी खुश थे। एक दिन रॉबर्ट वैंग को बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है और अब वो पूरा टाइम सिर्फ वैंग का ही ख्याल रखेगी। दूसरी ओर पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो कि ये दावा करता है कि उसने टियान को देखा था और वो उसकी कार में ही थी और ड्राइवर ने उसे एक बड़ी ही अजीब सी जगह पर छोड़ दिया था। फिर पुलिस फौरन से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उन्हें डॉक्टर लिन मिलता है जो कि जिंदा होता है और रॉबर्ट ने उसे बंद करके रखा हुआ था। लिन को पुलिस स्टेशन लाने पर वो पुलिस को सब सच बता देता है कि उसने एक रॉबर्ट बनाया था और किस लिए बनाया था। पुलिस को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि लिन जो भी बता रहा था उस पर यकीन करना पुलिस वालों के लिए सच में काफ़ी मुश्किल था। इसके बावजूद लिन की बात पर यकीन करते हुए ली उससे पूछता है कि वो रॉबर्ट इस समय कहाँ है और वो क्या चाहती है, जिस पर जवाब देते हुए लिन उसे कहता है कि उसे सच्चा प्यार चाहिए। दरअसल लिन ने सिर्फ रॉबर्ट नहीं बल्कि उसके अंदर फीलिंग्स भी क्रिएट की थी जिसकी वजह से अब वो ट्रू लव के लिए कुछ भी करेगी। कुछ देर बाद ली वैंग से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि उस दिन जिस लड़की ने उसके साथ चोर से लड़ाई करी थी वो एक रॉबर्ट थी और अब वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से सिर्फ इतना पूछना है कि क्या वो रॉबर्ट है। वैंग ली से कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो ज़रूर पहचान लेता। वहीं जब ली बाहर आता है तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने अब टियान के बॉयफ्रेंड का रूप ले रखा था और वो ली को फॉलो कर रही थी। ली को शक हो जाता है कि रॉबर्ट उसे फॉलो कर रही है इसीलिए वो फौरन पुलिस स्टेशन कॉल कर बैकअप टीम को बुलाता है और खुद पार्किंग लॉट में जाकर छुप जाता है। इसके बावजूद रॉबर्ट वहाँ आकर ली को मारने की कोशिश करती है लेकिन तब तक टीम वहां पहुंच जाती है और ली की जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में वैंग और रॉबर्ट एक ऑक्शन में होते हैं जहां एक वाज पर बोली लग रही थी। वैंग रॉबर्ट से कहता है कि उसे वाज अच्छा लगा। इतने में ही रॉबर्ट उस वाज को खरीद लेती है।
जिससे इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वैंग ने घर खरीदने के लिए पैसे बचा कर रखे थे। वैंग इससे काफ़ी नाराज़ हो जाता है और दो दिन घर नहीं आता। इसीलिए रॉबर्ट सुजैन के पास जाती है और उसे बताती है कि वैंग नाराज़ होकर घर से चला गया है, जिस पर सुजैन कहती है कि जब वैंग का गुस्सा शांत होगा वो घर लौट आएगा। वहीं दूसरी तरफ वैंग की मैनेजर काय वैंग को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। काय नशे में थी और वो वैंग से अपने दिल की सारी बात बता देती है। दरअसल वो वैंग को पसंद करती थी, क्योंकि अब वो नशे में थी इसलिए वैंग उसे उसके घर छोड़ने के लिए कार में बिठा रहा होता है। तभी उसे रॉबर्ट का कॉल आता है। वैंग उसे झूठ बोल देता है कि वो ओवरटाइम कर रहा है, लेकिन हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि रॉबर्ट उसे छुप कर देख रही थी। जिसके बाद रॉबर्ट वापस सुजैन के पास आती है और उसे बताती है कि अब वैंग सुजैन से प्यार नहीं करता, अब वो काय से प्यार करने लगा है। यह बात सुनकर सुजैन काफ़ी दुखी हो जाती है। रॉबर्ट कहती है कि अब उसे सुजैन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो काय बनकर वैंग के साथ रहेगी। अगले दिन रॉबर्ट सुजैन बनकर बालकनी में अकेली खड़ी होती है। तभी वैंग वहां आकर रॉबर्ट से सवाल करता है कि क्या वो एक रॉबर्ट है। रॉबर्ट जवाब में कहती है हाँ वो रॉबर्ट है, और बात करते करते वो वैंग का गला पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं काय बन के फिर से तुम्हें अपना बना लूँगी। अगले सीन में हम वैंग को पुलिस के साथ देखते हैं। वहाँ रॉबर्ट काय को पकड़कर उसी जगह ले जाती है, मगर वहाँ काय स्किन जनरेटिंग मशीन से रॉबर्ट पर हमला कर देती है, जिससे मशीन टूट जाती है। और रॉबर्ट कहती है कि पहले मैं तुम्हें मारने वाली नहीं थी, लेकिन अब मुझे तुम्हें मार कर ही तुम्हारी स्किन लेनी होगी। रॉबर्ट काय की स्किन निकाल पाती उससे पहले ही पुलिस वहाँ आ जाती है, मगर रॉबर्ट इन्हें चकमा देकर भागने लगती है। पर पुलिस की टीम मिलकर रॉबर्ट का पीछा करती है और आखिरकार ब्रिज पर उसे पकड़ लेते हैं। रॉबर्ट पानी में कूद कर फिर से भागने वाली थी, मगर तभी हेलीकॉप्टर से उस पर शूट कर दिया जाता है और वो वहीं मारी जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंग सुजैन को शादी के लिए प्रपोज करता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।